गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 9th of September 2022। आइए देखते हैं कल का दो इम्पोर्टेंट इवेंट था एंड दो इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बाद क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है। कल का पहला इवेंट था ईसीबी रेट डिसीशंस, जहां पे 0.75% हाइक किया गया है एज पर एक्सपेक्टेड लाइंस। एंड कल एक पॉज कैंडल देखा गया स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ फॉर्मेशंस, एंड आज उसका फॉलो थ्रू दिख रहा है एज डिस्कस्ड इन आवर अर्लियर एनालिसिस। ये जो जोन है, इस जोन को निकल के बाहर आना पड़ेगा। इस जोन को जब बाहर निकल के आएगा, इमीडिएट जो रेजिस्टेंस आएगा आपका 1.0140 से 1.0160 के आसपास, इसको तोड़ेगा देन वी विल बी एक्सपेक्टिंग द देयर आफ्टर द नेक्स्ट रेजिस्टेंस एट 1.0375। सो फर्स्ट अभी 1.0080 या 1.01 निकलना है, देन 1.0140 to 60, देन 1.0375। और रिलेटेड टू द डॉलर इंडेक्स, कल पॉवेल्स स्टेटमेंट जो था, यहाँ पे ही कंटिन्यूड to raise the interest rates in favor of that, continuing to raise the interest rates in order to tame surging inflation and warn against any prematurely loosening monetary policy. तो उसके बाद एक पॉज कैंडल्स आया था टेक्निकली, एंड आज नीचे की तरफ आया आ रहा है। जैसे कि हमारा ये था, आप प्रीवियस एनालिसिस में देखोगे ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट, पहला है कि ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज देना है जो कल दे चुका है, और उसके बाद नेक्स्ट डे इसका फॉलो थ्रू देना है जो आज फॉलो थ्रू दे रहा है। थोड़ा सा सॉफ्टनेस अब यहाँ पे बरकरार रहेगा आपका। और नेक्स्ट आते हैं डॉलर रुपी, जैसे कि आपका वही 1995 के ऊपर सस्टेन कर नहीं पा रहा था एंड अभी है 79.62। तो आरएसए टर्म्स में ये थोड़ा सा यहाँ पे आपका मे बी ऑन द 80.00 ऑन द हायर साइड एंड नीचे आपका 79.20, 79.30 ऑन द लोअर साइड। फॉर फ्यू डेज इट मे कंटिन्यू इन दिस रेंज ओनली, उसके बाद हमें देखना है फर्दर सॉफ्टनेस आता है या नहीं। जीबीपी डॉलर में कल एक पॉज कैंडल स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ फॉर्मेशन था, हालांकि इट्स नॉट ए स्पिनिंग टॉप, इट्स ए डोजी कैंडल, इवन We cannot say the doji candle also. उसके बाद आज एक फॉलो थ्रो दिख रहा है। सो फॉलो थ्रो के बाद बेसिकली ये जो हमारा जोन था 1.14 से 1.1650 बड़ा सपोर्ट जोन था ऑन मंथली टाइम फ्रेम। तो हमें देखना था कि यहाँ पे आपका कंसोलिडेट करके कुछ बुलिंग मीन्स बुलिश बायस देता है या नहीं देता है। तो एज ऑफ नाउ यहाँ पे हल्का सा टिंज है जो आपको लेके जा सकता है 1.1750 से 1.1900 की तरफ, यानी अभी देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज कि इट विल हेड टुवर्ड्स 1.1750 से 1.1900। ये जो रेंज है, ये रेंज आपका बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन होने वाला है। इसको अगर ऊपर जाना है तो इस जोन को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। जीबीपी आईएनआर में हम देखते हैं, जीबीपी आईएनआर में भी आपका जो हमारा सपोर्ट था 91.50 से 91.70 वहीं पे टाइम पास करके अभी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन होगा वो होगा आपका 93.20 से 93.60 के बीच में। तो यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा देखना पड़ेगा प्राइस एक्शंस कैसे बिहेव कर रहा है। यूरो डॉलर ऑलरेडी वी हैव टच्ड अपॉन दैट वन। यूरो आईएनआर देखते हैं, यूरो आईएनआर आपका ये जो आपका जोन है, कंसोलिडेशन जोन है, अभी उसके ऊपर एज ऑफ नाउ ट्रेड कर रहा है 80.15, लेकिन आपका इसके ऊपर डेली क्लोज देना है। डेली क्लोज देने के बाद भी एक रेजिस्टेंस आएगा 80.60 पे, उसको तोड़ देगा तो देन द हायर टारगेट टुवर्ड्स 8170 से 8190 की तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर येन में आपका अच्छा खासा रिट्रेसमेंट्स दिख रहा है, अभी है 142.76, लेकिन इसमें अभी भी सेल ऑफ दिख नहीं रहा है। इसको सेल ऑफ
कब दिखेगा, दैट इज द मेन क्वेश्चन. ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे क्लोज दे देता है एंड अगले दिन उसका फॉलो थ्रो अगर हम इसको देखते हैं देन एंड ओनली देन हम इसको थोड़ा मिसकरेक्शन के तरफ देख सकते हैं. अदरवाइज इट इज मींस बाय डीप स्टेप ऑफ थिंग्स मे कंटिन्यू. तो हमें इंतजार रहेगा ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो है इसके नीचे क्लोज देने का एंड फॉलो थ्रो के लिए. ये एनआईएनआर देखेंगे, ये नीचे के तरफ में कंसोलिडेट करके अभी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है ऊपर जाने का. तो अभी जो आपका मेजर रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका ये हो जाएगा इस पर्टिकुलर जोन, दैट इज 0.5660 से 0.5695. ये आपका नेक्स्ट मेजर जोन हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस का. डॉलर कैंडी में, डॉलर कैंडी में ऊपर की तरफ आफ्टर द रेट है ऊपर सस्टेन कर नहीं पा रहा, नीचे की तरफ आ गया एंड ट्रेंड लाइन के नीचे अभी ट्रेड कर रहा है. तो थोड़ा सॉफ्टनेस यहां पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ऑसी डॉलर में नीचे की तरफ ये डबल बॉटम फॉर्मेशन से एंड बाउंस बैक किया है एंड इमीडिएट जो रेजिस्टेंस आएगा 0.6880 से 0.6900 की तरफ. डॉलर सीएनएच में यहाँ पे आपका 7 सितंबर को एक इन्वर्टेड पिनवर बनाया हुआ है एंड अभी आपका ये वहां से करेक्शंस इवनिंग स्टार फॉर्मेशन जो है इवनिंग स्टार फॉर्मेशन है तो यहाँ पे थोड़ा सा और भी करेक्शंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लेकिन आइए देखते हैं ये वाला ट्रेंड लाइन कैसे काम करेगा. यस, आज इसको अगर ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दे देता है टुमारो इसको फॉलो थ्रू देता है तो और थोड़ा आपका यहाँ पे ये चाइनीज यूएन का स्ट्रेंथ हम देख सकते हैं और डॉलर अगेंस्ट चाइनीज यूएन थोड़ा सा नीचे की तरफ आ सकता है. तो उसके बाद यूके ऑयल हम आते हैं. यूके ऑयल में आपका 7 सितंबर को अच्छा सेल ऑफ के बाद कल एक अच्छा एक कंसोलिडेट किया है. तो यहाँ पे आपका ये पर्टिकुलर लेवल 92.50-93 के आसपास अगर कोई सेलिंग का इंडिकेशन मिलता है वन में ट्राई टू सेल फॉर फर्दर लोअर टाइप लोअर मूवमेंट. यूएस 10-year ट्रेजरी में यहाँ पे आपका अभी भी ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे क्लोज नहीं दिया है. ये आपका यहाँ पे इसको नीचे क्लोज देना पड़ेगा अगर सॉफ्ट होना है एंड उसके बाद आपका ये जो कल का कैंडल का लो है उसके नीचे अगर ट्रेड करेगा तो हम थोड़ा सा सॉफ्टनेस यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं. यानी आपका 8 सितंबर का लो वो है आपका 3.20 के नीचे अगर थोड़ा सा ट्रेड करता है तो वी मे एक्सपेक्ट सम सॉफ्टनेस इन दिस इंस्ट्रूमेंट. तो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही. आप सभी का दिन शुभ हो. धन्यवाद.